ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑटो ट्रांसफार्मर पे हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है, और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम पे बात करेंगे कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है जिसमें ओनली एक वाइंडिंग होती है, ठीक है, और जो नॉर्मल हम ट्रांसफार्मर देखा है हमने, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, और हम वन एक ही वाइंडिंग को इस तरीके से टेपिंग करते हैं ताकि उससे हम सेकेंडरी और प्राइमरी कंसीडर कर सकें। तो इससे हमारा कॉपर लॉस भी कम होता है एंड इंसुलेशन भी उतना नहीं लगता, कम रखता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ इंटररिलेटेड। ऑन द लोड कंडीशन करेंट इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम सप्लाई एंड रिमेनिंग पार्ट। तो एक प्रकार से एक चीज़ और है ऑटो ट्रांसफार्मर को, दूसरे नाम से वोल्टेज रेगुलेटर के भी नाम से आप जान सकते हैं। तो डिटेल में हम इसके बारे में समझते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर है क्या। तो आप देख सकते हैं इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी आर इंसुलेटेड, ये देख सकते हैं जैसे ईच अदर, है ना। ये तो टू वाइंडिंग है, पहले आपको टू वाइंडिंग दिखा रहे हैं ये कि टू वाइंडिंग कैसे होता है, ठीक है। और दे आर द टू टाइप्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। देयर इज द कंटिन्यूस वाइंडिंग विद टाइप्स ऑफ कन्वीनियंट पार्ट बाय द सेकेंडरी वोल्टेज। जरा इस पर ध्यान से देखते हैं आगे चलते। ये देखिए, दिस इज द ऑटो ट्रांसफार्मर। ये एक वाइंडिंग है, दिख रहा होगा आपको, एक वोल्टेज हमने सप्लाई दे रखी है। यहाँ से V2 आपको दिख रहा होगा, दैट इज I1, दैट इज I2, एंड प्राइमरी वाइंडिंग AB, दैट इज दिस पार्ट इज AB, और ये छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, इसको टेपिंग कहते हैं, टेप किया हुआ है। एंड वोल्टेज V1 इज अप्लाइड अक्रॉस द AB, ये हमने AB पे अक्रॉस किया हुआ है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, जैसे V1 इज़ द प्राइमरी वोल्टेज, V2 इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, I1 जो हमने लिया है यहाँ पे वो है प्राइमरी करंट, I2 जो है वो लोड करंट है, N1 जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन A एंड B, एंड N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन C एंड B। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप देख सकते हो वही होगा जैसे नॉर्मल होता है। बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो RGPB में हर साल मोस्टली आता है कि सेविंग द कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर सेव होता है, तो हम देख सकते हैं कि वेट ऑफ द कॉपर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोस्टली लेंथ और एरिया के। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। आप ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे उतने ज़्यादा लेंथ होगा, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्टली करेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। जरा यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि वेट ऑफ द कॉपर इन अ सेक्शन ए सी एंड वेट ऑफ द कॉपर ऑन अ सेक्शन सी बी। तो देखिए वेट किसके मल्टीप्लीकेशन में होगा, टर्न्स और करेंट। तो जब इसमें जो पहले वाले में करेंट किया जा रही है आई वन, और ये छोटे से टर्न ये वाला एन वन माइनस एन टू, तो एन वन माइनस एन टू प्लस छोटे वाले सेक्शन सेकेंडरी में क्या जा रहा है भाई, आई टू माइनस आई वन, और उसमें क्या एन टू करेंगे, एन टू। एक चीज़ और ध्यान देनी है आप लोगों के लिए, ये पूरा जो है ना ये एन वन है और ये छोटा पार्ट एन टू है, और इससे भी छोटा पार्ट है एन वन माइनस एन टू, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये तो है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। मगर एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की बात करें अपन, जो इसमें दो वाइंडिंग होती है, तो वो एन वन आई वन प्लस आई टू एन टू होता है। इसको मैंने डब्ल्यू ए से डिनोट करूँगा, इसको डब्ल्यू नॉट से डिनोट करूँगा, और दोनों के जब मैं रेशियो लूँगा तो आप क्या करेंगे, इनको इससे डिवाइड करेंगे, तो आप पाओगे कि यहाँ से आपको मिलेगा डब्ल्यू नॉट, यहाँ से डिलीट कर लीजिए, ये आपको ये आएगा डब्ल्यू ए इजिकल टू वन माइनस के डब्ल्यू नॉट। तो मैंने के किसको मान रखा है, देखिए टू आई वन एन टू अपॉन आई वन एन वन, और इसका जो ये पूरा पार्ट है ये वाला इसके साथ जब चला जाएगा, ऐसे भूल जाइए, ये भूल जाइए, ऐसे याद रखिए, ये वाला पार्ट जब इसके साथ होगा तो ये पूरा जो पार्ट होगा ये इधर वाला, इसको अपन ने के मान लिया शॉर्टकट के लिए। तो दिस इज़ द रिलेशन फॉर यूजिंग कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर कम लगेगा कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि एक वाइंडिंग कम है, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद एक और टॉपिक इसी में आगे बढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के। लेस कैपेसिटी है, लेस कॉस्टली है, बेटर रेगुलेशन है, लॉसेस कम है। मगर डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ नॉट इंसुलेटेड टू प्राइमरी, तो ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता, बहुत सी जगह पे ये सूटेबल नहीं है। मगर एप्लीकेशन क्या है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का, एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड टू स्टार्ट
स्टार्टर की तरह यूज़ होता है इंडक्शन मोटर, हमने देखा था पहले, और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। थैंक यू।